बच्चों आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करें बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशंस कभी मैं वर्क पावर एनर्जी से पहले पढ़ाता हूँ, कभी बाद में पढ़ा सकता हूँ। एचसी वर्मा में सर्कुलर मोशंस पहले है, वर्क पावर एनर्जी बाद में। तो वर्क पावर एनर्जी में सर्कुलर मोशंस के सवाल होंगे। जहां तक अपना सीट का सवाल है उसमें उल्टा है, वर्क पावर एनर्जी पहले पढ़ाते हैं, सर्कुलर मोशंस बाद में पढ़ाते हैं। तो सर्कुलर मोशंस में जाकर के वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशंस के कंबाइंड सवाल है, ठीक है ना। तो एचसी वर्मा कंप्लीट नहीं होगा तुम्हारा, वर्क पावर एनर्जी कुछ सवाल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। सर्कुलर मोशंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक इसका होता है काइनेमेटिक्स पार्ट, और दूसरा इसका होता है डायनामिक्स पार्ट। बहुत सारे बुक्स में क्या होता है, सर्कुलर मोशंस का काइनेमेटिक्स पार्ट काइनेमेटिक्स में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशंस पढ़ाया तो वहीं पे सर्कुलर मोशंस भी पढ़ाते हैं। मैं नहीं पढ़ाता हूं, मैं सर्कुलर मोशंस में आके ही पढ़ाता हूं, ठीक है। सो आज हम लोग पहले इसको फिनिश कर लेंगे और फिर डायनामिक्स तक भी चले जाएंगे। तो इसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, बिकॉज काइनेमेटिक्स का पार्ट ऑलरेडी क्लियर है तुम्हें। थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, एंड यू आर कैपेबल टू सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस, ठीक है। तो बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूं काइनेमेटिक्स पार्ट। सो अगर हम सर्कुलर मोशंस की बात करें तो ये वन डायमेंशनल मोशन हो गया, टू डायमेंशनल मोशन होगा, है ना। तो अभी यहाँ पे है अभी पार्टिकल, और ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, फिर इधर होगा वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी इधर होगा। वेलोसिटी जो होगा हमेशा टेंजेंशियल टू पाथ होगा। तो अगर मैं बात करूं कि इवन कांस्टेंट स्पीड से भी अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से भी अगर मूव कर रहा है, तो क्या मैं उसका वेलोसिटी कांस्टेंट मानूंगा क्या? नो no. बिकॉज डायरेक्शन बदलेगा, डायरेक्शन चेंज होगा, दैट मींस एक्सेलरेशन होगा। तो इस चैप्टर में हम लोगों को यही पढ़ना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, है ना। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट एक्सेलरेशन किधर होगा, है ना, नेट फोर्स कितना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें एक और चीज थोड़ा सा आइडिया देते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको बोलते थे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर कोई पार्टिकल P यहां पे है, ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, तो इस P पार्टिकल का X कोऑर्डिनेट बोलते थे, ये ओरिजिन से इस डायरेक्शन में कितना दूर पे है, दिस इज X, और इस ओरिजिन से Y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस दूर है, मतलब X एक्सिस से कितना डिस्टेंस दूर है, ये Y, X कॉमा Y, है ना। ये पार्टिकल यहां से कहीं यहां चला गया तो उसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ,
वाई कॉर्डिनेट भी चेंज हुआ. सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कॉर्डिनेट सिस्टम. मोस्ट ऑफ द थ्योरी जो हमारा इसी सिस्टम पे बेस्ड है हम लोग डिस्कस करेंगे. बट देयर इज अ वन मोर कॉर्डिनेट सिस्टम, अनदर इज कॉल्ड पोलर कॉर्डिनेट सिस्टम. यहाँ पे अगर किसी पार्टिकल का कुछ वेलोसिटी है तो हम लोग उसको कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, कहते हैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी है. पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है बच्चों? एक रेफरेंस लाइन होता है और सपोज कहीं पे यहाँ पे पार्टिकल है और ये ओरिजिन है, तो ये ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे ये आर दिया रहेगा और इस रेफरेंस लाइन से कितना एंगल पे थीटा दिया रहेगा. तो अगर हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर और थीटा दे दिया तो हम बता देंगे कि ये पॉइंट है. सपोज कोई पॉइंट यहां पे है तो इसका डिस्टेंस कुछ आर वन दे देगा और रेफरेंस लाइन से कहेगा कि ये कितना डिस्टेंस है थीटा वन, तो हम ये पॉइंट डिनोट कर सकते हैं. यहां भी दो वेरिएबल है, कौन कौन सा? आर एंड थीटा. अगर कभी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ इंफॉर्मेशन बट मुझे चाहिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो इंफॉर्मेशन, जैसे मान लो ये डिस्टेंस आर दिया हुआ है और रेफरेंस लाइन से थीटा दिया हुआ है, तो कैन वी डू द कन्वर्जन? आर थीटा दिया हुआ उसको एक्स और वाई में लिख सकते हैं क्या? तुम कहोगे यस सर, बहुत ही सिंपल सा है. यस सर, एक्स और कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट अगर लिखेंगे तो कहेंगे आर साइन थीटा. लिख लिया? तो मैं बहुत डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूं. पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर और थीटा के टर्म में दिया हुआ है. अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं तो उस केस में इसको ओरिजिन ले लिया, इसको एक रेफरेंस लाइन ले लिया, तो एक वेरिएबल जो है आर वो तो कांस्टेंट रह रहा है और दूसरा वेरिएबल थीटा सिर्फ चेंज हो रहा है. तो ये स्पेशल केस हो गया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का, सर्कुलर पाथ पे मोशन हो रहा है तो आर इज कांस्टेंट, थीटा चेंज हो रहा है ना. और अगर मैं इस सिस्टम में बात करूं थीटा चेंज हो रहा है सर्किल पे रोटेट करा, इसमें कह सकते हैं रोटेशन हो रहा है, तो एक एनालॉगस भी बताता हूं मैं. अगर इस टाइप के मोशंस को डिस्कस करो तो एक टर्म आएगा एंगुलर पोजीशन. तो ये रेफरेंस लाइन से कितना एंगल पे थीटा, एंगुलर पोजीशंस को डिनोट करते हैं थीटा से. अगर हम वन डायमेंशन की बात करते थे, जब वन डायमेंशन मोशन होता था तो एक टर्म होता था पोजीशन, कहते थे अभी यहां पे एक्स है, फिर बाद में कुछ चेंज हो गया यहां चला गया. तो ये वन डायमेंशन मोशन में सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था, कौन सा? सिर्फ एक्स. सर्कुलर मोशंस की बात करूं तो मैं इससे और इसको रिलेट कर सकता हूं. यहां भी एक ही वेरिएबल चेंज हो रहा था एक्स और यहां भी एक ही चीज चेंज हो रहा है थीटा. तो अगर मैं इसको और इसको रिलेट करूं तो मैं कहूंगा जो रोल यहां पे एक्स का था वही रोल यहां पे किसका है?
थीटा का है ना। अगर ये यहां से यहां चला गया तो डिस्प्लेसमेंट बोलते थे कि इधर होगा, इसका एक डायरेक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। क्या एंगुलर पोजीशन चेंज हुआ यहां से यहां पहुंचा, ये जो चेंज हुआ डेल्टा थीटा, इस मोशन में क्या इसका भी डायरेक्शन है क्या, क्या ये भी टर्म्स वेक्टर क्वांटिटी है क्या? अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या होगा? बच्चों इसमें भी हम कहेंगे कि डायरेक्शन होगा कि देखो ये ऐसे जा रहा, मोशन तो इस प्लेन में है बट थीटा का डायरेक्शन ऐसा रहता है कि इफ इट इज रोटेटिंग इन दिस सेंस तो कर्ल द फिंगर्स अलोंग दिस डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों तुम लोग ना पहले लीनियर पोजिशन लिखना फिर एंगुलर पोजिशन लिखना। तो जो रोल लीनियर पोजिशन में एक्स का था वही रोल एंगुलर पोजिशन में थीटा, फिर यहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते थे, मतलब डेल्टा एक्स, यहां पे कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एम आई राइट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे डेल्टा थीटा। बच्चों इसी का एनालॉग ये रहेगा, अब बच्चों यहां से मैं बताया था एक वेलोसिटी बताया था लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी कैसे डिफाइन था, एवरेज लीनियर वेलोसिटी बाय डिफाइंड एज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे डिफाइन था, डीएक्स बाय डीटी। तो यहां भी क्या डिफाइन होगा, एंगुलर वेलोसिटी। पहले डिफाइन करेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइन होगा, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। क्या बात समझ में आ रही है? रुको सर लिखना, लास्ट वाला मत रब करना, लास्ट वाला ठीक है, लास्ट वाला देखो। हो गया सर। हर्षिता अभी तक नहीं आई है, विनीत कनेक्टेड है, तेजस गावली, तेजस तू तो एमए में कर रही अटेंड या तेजस सुन पा रहे हो? सर एक मिनट साइड हो जाइए ना। सर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जी थीटा बाय डीटी होगा ना? हाँ, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या लिखेंगे, डी थीटा बाय डीटी। अच्छा जो रोल यहाँ पे वेलोसिटी का वही रोल यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का। यहाँ पे वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, वी लिखते हैं, वी
है ना, dx by dt लिखा। एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, यहाँ पे ओमेगा डिफाइन करते हैं, ऐसे लिखना ओमेगा, w नहीं, ये थोड़ा सा कर्व्ड टाइप का ओमेगा है ना, एक और ओमेगा होगा, ये बड़ा वाला ओमेगा होता है जो हम रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, ओम्स। सो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डीटी। अब बताना यहां पे एक और चीज क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन, ए से डिनोट करते थे, कैसे लिखते थे, डीवी बाय डीटी, एवरेज लिखते थे डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी, वैसे ही लीनियर एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ओके सर, डायरेक्शन कैसा होगा, किधर होगा डायरेक्शन, इफ इट इज रोटेटिंग इन दिस वे इसका डायरेक्शन इधर होगा, इफ इट इज रोटेटिंग इन दिस वे कर्ल योर फिंगर, राइट हैंड यूज करना है, ऐसे रोटेट करा डायरेक्शन इधर होगा। अब तुम ये समझ सकते हो, ये थीटा हो ओमेगा हो, अभी और भी एक टर्म बताऊंगा, वो सबका डायरेक्शन किधर है, इसके एक्सिस के अलोंग। सो थीटा ओमेगा, और अभी जस्ट एक टर्म बताने वाला हूं एंगुलर एक्सेलरेशन, दीज आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। अब मीनिंग समझ में आ गया, एक्सियल का मतलब अलोंग एक्सिस है, तो जो रोल वहां पे लीनियर एक्सेलरेशन का था वही रोल यहां पे जो होगा वो होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, वी डिनोटेड बाय अल्फा, और तुम बता सकते हो कि सर ये हो जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी। समझा क्या? यस सर, यस सर। अच्छा एक और चीज बताना, वहां पे ए को डीवी बाय डी टी भी लिखा था और एक और चीज लिखा था वी इंटू डीवी बाय डी एक्स भी लिखा था, क्या यहां भी मैं कुछ अल्फा को ऐसा लिख सकता हूं क्या, क्या तुम्हारे दिमाग काम कर रहा है कुछ, ओमेगा इनटू डी ओमेगा बाय डी टी, क्या बात है, ओमेगा डी ओमेगा बाय डी टी, ओमेगा बाय डी टी का जो रोल वी का वो रोल ओमेगा का, जो रोल एक्स का वो रोल थीटा का, एनालॉगस है ना सारा। चलो अब मैं कुछ फॉर्मूला पढ़ लेता हूं, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होता था यहां पे, कांस्टेंट वेलोसिटी होता था तो डिस्प्लेसमेंट v इंटू टी होता था, डिस्प्लेसमेंट को x लिखो या s लिखो तो s इक्वल टू क्या होता था v इंटू टी है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट में। तो वैसे यहां पे अगर मैं कहूं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी हो ओमेगा इनटू टी, तो थीटा यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा इनटू टी, क्या कोई दिक्कत, कितना छोटा छोटा चीज बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, कॉन्स्टेंट एंगुलर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन हो तब जब ए कॉन्स्टेंट था, कुछ फॉर्मूला तूने पढ़ा था, तूने फॉर्मूला पढ़ा था v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, तो क्या इसका एनालॉगस सर्कुलर मोशंस में लिख सकते हो क्या, कि जब अल्फा कॉन्स्टेंट हो तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू किसी टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इनिशियल ओमेगा को मैं ओमेगा नॉट लिख देता हूं। अब आगे कंप्लीट करो, कोई प्लस अल्फा टी अल्फा टी, मुझे लगता है कि सारे बच्चे समझ रहे हैं। ने वो कर्व फ्रिंगल्स का कहा था कि वो अलोंग द एक्सिस होता है, वो कैसे लिखे सर,
हाँ इस लिख लो ना, तो डायरेक्शन ऑफ थीटा विल बी गिवन बाय, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा विल बी गिवन बाय राइट हैंड कर्ल रूल, इसको बोलते हैं या राइट हैंड थम रूल भी बोल देते हैं, कर्ल रूल बोला या थम, मतलब बात वही है कि कैसे ऐसे कर्ल करो किसके अलॉन्ग जो रोटेशंस का सेंस है, तो डायरेक्शन ऑफ थम विल बी गिवन बाय, डायरेक्शन ऑफ थम विल गिव डायरेक्शन ऑफ सर, ये जीएनएन सर ने वेक्टर में भी बताया था। हाँ वेक्टर में कहाँ बताया हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है ये डिफाइन किया गया। और तुम कहोगे सर ऐसा क्यों डिफाइन किया, राइट हैंड लेफ्ट हैंड नहीं, तुम लोग करंट का डायरेक्शन कोई नट बोल्ट टाइट ओपन अगर कभी किया होगा है ना, स्क्रू से कि इसको एक नट है जिसको टाइट करना है या ओपन करना है, तो तुम ओपन करना होता तो पता नहीं चलता कि मैं ओपन कर रहा हूं कि उसको क्लोज कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं, टाइट कर रहा हूं, ऐसा कभी तुम लोग फील किया हो? अभी भी नहीं आता कैसे ओपन करें, करना ओपन तो गलती से करो टाइट, कभी इधर घुमा के देखते हैं फिर कभी इधर घुमा के देखते हैं, तुम लोग तो कुछ करते नहीं, मैं तो बचपन में बहुत करता था भूल जाता था, लेकिन अगर आज तुमने, मैं अभी बता रहा हूं बच्चों, अगर ऐसे रोटेट करना, ऐसे रोटेट करना, अगर ऐसे कर रहे हो ऐसे, सेंस ऑफ रोटेशन देखना, इफ यू आर रोटेटिंग लाइक दिस मतलब ये इधर जाएगा, मतलब बाहर आएगा, ओपन होगा, अगर इसको टाइट करना है तो यू हैव टू रोटेट लाइक दिस, अगर ऐसे रोटेट करोगे तो इन जाएगा मतलब टाइट होगा। इसी पे पूरा जितने भी स्क्रू ये सब किया गया है इसी कन्वेंशंस को फॉलो करता है ना। सो बॉटल कर सर, एक्सेल वेक्टर्स कौन कौन से थे? एक्सेल वेक्टर अभी बताया ना, अभी जैसे सारे सिलेबस बढ़ेगा वो होगा, एंगुलर पोजीशन एक्सेल वेक्टर है, ओमेगा एक्सेल वेक्टर है, अल्फा एक्सेल वेक्टर है, अभी तक के लिए बाद आगे और भी आएंगे। चलो अब बताते हैं दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं, मैं इधर लिखता हूं S इज इक्वल टू, तुम लोग लिखे हो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, कैन यू से दैट, इसका एनालॉग्स फॉर्मूला यहां पे क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट इनटू T, थीटा नॉट T प्लस 1 बाय 2 अल्फा T स्क्वायर। बहुत बढ़िया, एक और तुमने पढ़ा है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट s, जिसको ये सारे फॉर्मूले पता है इधर वाले तो ये भी तो लिख सकते हैं ना सोच के, लेकिन ये सारे फॉर्मूले किसके लिए वैलिड था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, लेकिन अगर ए चेंज हो तो ये सारे फॉर्मूले वैलिड नहीं होंगे, तो हम बेसिक से लिखेंगे डी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ए डी टी, और इसको क्या कर लेते हैं इंटीग्रेट, एक कांस्टेंट है तो बाहर ले लोगे तो यही फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, यहां भी अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है, ये नीचे वाला सबके लिए वैलिड है, अल्फा कांस्टेंट हो या नॉट कांस्टेंट, बट नॉट कांस्टेंट है तो यही करना है, ये नहीं करना, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा डी टी, अल्फा को बाहर नहीं ले सकते, जो भी अल्फा दिया रहेगा यू हैव टू सॉल्व दिस, रेडियन
थीटा का यूनिट होता है रेडियन, रेडियन ऐसा यूनिट है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड, बहुत बढ़िया, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है ना, ठीक है बच्चों। एक कभी कभी एंगुलर वेलोसिटी देता है, सपोज दे दिया है कि पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ एंगुलर वेलोसिटी टू रिवॉल्यूशंस पर मिनट, दिस इज द यूनिट गिवन। तो ये ऐसा यूनिट नहीं है, इसको मुझे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो इसी को मैं रेडियन पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करूंगा? वन रिवॉल्यूशन मीन्स हाउ मच एंगल? 2 pi radian। तो ये 2 और एक रिवॉल्यूशन को लिखेंगे 2 pi radian, और पर मिनट है, मिनट नीचे है, सेकेंड में बनाना है, तो कितना होता है एक मिनट? 60 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 4 pi/60 radian/s। इसका ये हो जाएगा ऐसा यूनिट। सो क्या हो जाएगा? 5/15 radian/s। एम आई राइट? यस। तो रिवॉल्यूशंस पर मिनट को समझ में आ गया कैसे लिखना है? यस सर। इसी को ना शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, टू, कुछ बच्चे शॉर्ट का बड़ा पसंद करते हैं, रिवॉल्यूशंस पर मिनट, और क्या बोलते हैं इसको? आरपीएम, नाम कभी सुना होगा। हम लोग अभी यूनिट डायमेंशंस पढ़ाए नहीं है, बट धीरे धीरे सीखते जाते हैं बीच बीच में। थीटा का यूनिट रेडियन है, वो तो मैंने पढ़ा दिया है बहुत पहले, पहला लेक्चर में ही, फर्स्ट लेक्चर याद करो, बहुत पहले हुआ था, 6-7 महीना पहले। यस सर। डायमेंशंस की जो बात होती है ना, वो थीटा का डेफिनेशन याद है तुम्हें? L/R। डायमेंशंस बोलते हैं कि L जो है वो लेंथ है, और R भी लेंथ ही है, रेडियस। तो लेंथ अपॉन लेंथ ये कट जाएगा, तो इसको बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो थीटा क्या है? डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, बट ये यूनिटलेस नहीं है, इसका यूनिट है रेडियन, ठीक है। तो डायमेंशन हम लोग पढ़ाएंगे, यूनिट थोड़ा सा सीखते जाते हैं साथ में। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्या बता रहा था मैंने, हाँ एक सवाल लिख रहा हूं मैं। सवाल ये है, पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू, पाई बाय 2 radian/s। ओके, पाई बाय 2 radian/s। Then, so per second square, per second square. Yeah, sorry. Pi by 2 radian/s. Then find pahla start kiya to initial angular velocity kitna hai? 0. Aur ye 100% bachchon se solve hona chahiye. Find angular velocity at t is equal to 2 seconds. दूसरा फाइंड टाइम व्हेन इट विल कंप्लीट 2 revolution व्हेन इट विल कंप्लीट 2 revolution। तीसरा
what will be its angular velocity when it will reach its starting position third time ये सवाल लिख लिया ये लिख लिया ये लिख लिया देखते हैं सर सेकंड का फोर सेकंड हाँ एक एक करके मैं सॉल्व कर रहा हूं पहला मैं साथ साथ टाइम दे दूंगा एंगुलर वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू टू सेकंड निकालना है तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ वो देखते हैं अल्फा इज गिवन पाई बाय टू रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर और क्या दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी कितना है जीरो है इतना इंफॉर्मेशन इस सवाल में दिया निकालना है ओमेगा एट टी इज इक्वल टू टू सेकेंड ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी ये फॉर्मूला लगाते समय देख लेते हैं क्या अल्फा कांस्टेंट है क्या यस कांस्टेंट है वी कैन यूज दिस ओमेगा नॉट जीरो अल्फा है पाई बाय टू टी है टू सेकेंड क्या हो जाएगा बच्चों पाई रेडियन पर सेकेंड पहला का आंसर दूसरा का आंसर फाइंड टाइम व्हेन इट विल कंप्लीट टू रिवॉल्यूशन अब देखना टू रिवॉल्यूशन क्या पता है इस सवाल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता है एम आई राइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता है और आना शुक्ला बताना कितना हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन में देवेश व्यास फोर पाई वन रिवोल्यूशन टू पाई एक और रिवोल्यूशन टू पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है अलोंग ईस्ट अलोंग नॉर्थ या आउट ऑफ द बोर्ड प्लेन Out of the board plane. ऐसे जा रहा है अगर सपोज ऐसे मैंने दिखा दिया ऐसे जा रहा है ना तब आउट ऑफ द बोर्ड प्लेन थीटा इज फोर पाई थीटा इज गलत होता है ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर फोर पाई ये तो जीरो है हाफ अल्फा इज पाई बाय कितना है टू टी इज हाउ मच निकालना है तो टी सो बच्चों ये पाई पाई गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टी इज फोर सेकेंड क्लियर दो सवाल सॉल्व हो गया तीसरा पूछा व्हाट विल बी इट्स एंगुलर वेलोसिटी व्हेन इट विल रीच इट्स स्टार्टिंग पोजीशन थर्ड टाइम तो यहां से स्टार्ट किया चलना शुरू किया अभी स्टार्टिंग पॉइंट ये फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम थर्ड टाइम क्या पता है थीटा पता है क्या yes, कितना
निकालना क्या है इस समय एंगुलर वेलोसिटी क्या है ये निकालना है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं सेकेंड वाला या थर्ड वाला थर्ड वाला थर्ड थर्ड वाला लगाना प्रीफर करेंगे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा क्योंकि थीटा पता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट 0 है 2 इनटू पाई बाय 2 इनटू 6 पाई सो ओमेगा आ जाएगा फैन सीलिंग फैन इज स्विच्ड ऑन is equal to 0 and it will have it rotates it starts rotating with constant angular acceleration alpha is equal to pi by 4 radian per second square for t is equal to 12 seconds. Till t is equal to 12 seconds. Then it moves with constant angular velocity. Fan ko switch on kiya. Pahle kya hua? Fan accelerate kiya. 12 सेकेंड तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव किया फिर क्या हुआ ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इज इक्वल टू 60 सेकेंड टिल टी इज इक्वल टू 60 सेकेंड देन फैन इज Switched off it is found that it rotate yeah It rotates with constant deceleration of pi by 8 radian per second and finally stops. उसके बाद रुक जाता है पहला सवाल find angular velocity of fan at t is equal to 10 seconds.
दूसरा सवाल, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फैन एट टी इज इक्वल टू 15 सेकेंड। तीसरा सवाल, फाइंड एंगल रोटेटेड इन फर्स्ट 5 सेकेंड। चौथा सवाल, हाउ लॉन्ग इट रोटेट्स विथ डिसलरेशन। पांचवा सवाल, फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन द फैन हैज कंप्लीटेड। छठा, average angular velocity for the whole motion। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, क्वेश्चन मैंने मिटा दिया बट तुम्हें याद होगा, तुम्हारे नोटबुक में लिखा होगा, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा नॉट तो जीरो था, अल्फा कितना था पाई बाय 4 इंटू 10 टी, कितना हो गया बच्चों 5 पाई बाय 2 रेडियन पर सेकेंड। क्या सबका आंसर आया ये? यस सर। अंकित से वाले, यस सर। अनुश्रेष्ठ, अनुश्रेष्ठ आया क्या आंसर? हितेश पाटिल आ गया होगा। दूसरा सवाल, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फैन एट टी इज इक्वल टू 15 सेकेंड। 3/5। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ बच्चे लिखे होंगे ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू 15, 15 पाई बाय 4, इज इट करेक्ट आंसर? नो सर, 12 सेकेंड तक है। नो, बिकॉज 12 सेकेंड तक ही वो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव किया था, उसके बाद उसका एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया 0। हमने 15 सेकेंड पे पूछा है, तो जो एंगुलर वेलोसिटी 12 सेकेंड पे है वही रह जाएगा 15 पे, वही रह जाएगा 20 सेकेंड पे, वही रह जाएगा 60 सेकेंड पे। 60 सेकेंड तक मूव किया है कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो दिस इज करेक्ट। इनकरेक्ट आंसर 3/5। गुड, दो सवाल हो गया। फाइंड एंगल रोटेटेड इन फर्स्ट 5 सेकेंड। तीसरा सवाल, चौथा सवाल, How long it rotates with the deceleration?
हाउ लॉन्ग, कितना देर वो डिसलेशन से रोटेट किया है, तो बताओ टी इक्वल टू 60 सेकंड पे वो उस पे फैन स्विच ऑफ किया, डिसलेट करना शुरू किया, तो 60 सेकंड को मान लेते हैं 0 सेकंड जैसा ट्रीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे 3 पाई, और मान लो t1 सेकंड तक वो रोटेट किया है तो -π/8 × t1, ये माइनस साइन क्यों दिया सर, डिसेलरेशन, ये वाला फॉर्मूला है ना, दिस इज, सो t1 कम्स आउट एज 24, कितना हो जाएगा 24 सेकंड, ओके। पांचवा सवाल, फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस द फैन हैज कंप्लीटेड, टोटल नंबर ऑफ एंगल, टोटल एंगल रोटेटेड निकालते हैं, पहले रेडियल में निकालते हैं बिकॉज सारा टर्म रेडियल में, बाद में उसको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों कुछ देर तक एक्सलेशन से मूव किया है, कुछ देर तक वो कांस्टेंट एंगल ऑफ वेलोसिटी से मूव किया है, तो उसमें एंगल रोटेटेड थीटा टू लेते हैं, और लास्ट में वो डिसलेशन से मूव किया है, तो इसको 3 पार्ट में बांट दिए, जिससे मैं एक्सेलरेट करा तो टोटल कितना एंगल रोटेट किया, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी चला तब कितना रोटेट किया, और फाइनली डिसलेट करा तो कितना एंगल रोटेट किया सर, कांस्टेंट एंगल ऑफ वेलोसिटी से जो रोटेट किया है हाफ, ए जो हो जाएगा पाई बाय 4 का स्क्वायर प्लस थीटा 2, कितना कांस्टेंट एंगल ऑफ वेलोसिटी है बच्चों 3 पाई, कितना देर तक रोटेट किया है, इज इट 60 या 48, 48 प्लस थीटा 3 निकालने का अलग अलग तरीका होगा, एक तरीका मैं सिंपल वाला पहले बताता हूं, टाइम चुके निकाल लिए 24 सेकेंड, तो 3 पाई ओमेगा इंटू टी माइनस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ऐसे कर लोगे तो ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, क्या फिफ्थ सवाल हो गया? हाँ सर, नहीं, और लास्ट सवाल क्या है, सिक्स्थ, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइंड होगा, टोटल थीटा बाय टोटल टाइम टेकन, बहुत बढ़िया, सर फिफ्थ में 2 पाई से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, हाँ हाँ सॉरी, मैंने ये तो एंगल रोटेट निकाला है ना, और मैंने नंबर इसमें तो पूछा है कितना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, तो क्या करेंगे 2 पाई से डिवाइड कर लेंगे, एक रिवॉल्यूशंस में 2 पाई रेडियन, इस सवाल में क्या हो जाएगा आंसर, थीटा अपॉन 2 पाई विल बी योर आंसर, मैंने कह दिया बच्चों कि ये पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ एंड इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंजेस विथ टाइम एज थीटा इज इक्वल टू, या एंगुलर पोजिशन कह सकते हैं, एंगुलर पोजिशन चेंजेस विद दिस वेयर अल्फा बीटा एंड थीटा नॉट आर सम पॉजिटिव constant, some positive constant. So, first सवाल,
find angular velocity at t is equal to 0. दूसरा सवाल एंगुलर एक्सेलरेशन एट टाइम व्हेन इट्स ओमेगा इज जीरो. दो सवाल ही दिया. तो बच्चों शायद हमने काइनेमेटिक्स में बहुत प्यार से समझाया था, बहुत प्यार से समझाया था कि किसी टाइम पे अगर पूछा है तो पहले t इक्वल टू 0 नहीं पुट करना, पहले डिफरेंशिएट करना और फिर वैल्यू पुट करना है ना. तो हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो सबसे पहला काम क्या होगा? डिफरेंशिएशन. किसी जनरल टाइम पे निकाल लेते हैं d थीटा बाय dt कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस 2 बीटा t. अब प्लस थीटा नॉट या जीरो? जीरो. जीरो. थीटा नॉट तो कांस्टेंट है. ये हो गया. अब सवाल पूछा है कि t इक्वल टू 0 पे एंगुलर वेलोसिटी क्या है. सो ओमेगा एट t इक्वल टू 0 इसमें पुट कर देंगे तो हो जाएगा अल्फा. तीसरा दूसरा सवाल पूछा है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम व्हेन ओमेगा इज जीरो. पहले जनरल एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं, सॉरी जनरल एंगुलर एक्सेलरेशन. अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डीटी दैट इज इक्वल टू माइनस 2 बीटा. अब ये तो कांस्टेंट है तो जिस समय एंगुलर वेलोसिटी जीरो होगा उस समय भी यही रहेगा माइनस टू बीटा. माइनस टू बीटा ठीक है. क्लियर? यस सर. और रहा ये होमवर्क, यही सवाल है, पूरा सवाल यही है और थीटा इक्वल टू दे दिया हमने अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी क्यूब प्लस थीटा नॉट. यही दो सवाल रहेगा, सिर्फ ये चेंज हो गया. रिपीट द होल क्वेश्चंस एंड सेंड मी द सॉल्यूशन. नेक्स्ट लिखो बच्चों रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. ये एग्जैक्टली ये स्पीड है ना. तो बच्चों अगर मैं यहां से पूछूं कि हमने पढ़ा था थीटा का डेफिनेशन तो क्या होगा थीटा यहां पर? S by R. S by R. So, एक पार्टिकल मूव कर ऐसे 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 जा रहा है कुछ टाइम में यहां से यहां पहुंच गया तो मैं कहूंगा वो डिस्टेंस कितना चला है. यस, ये डिस्टेंस बोलूंगा या डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा इसको? एस को डिस्टेंस. इतना चला डिस्टेंस ट्रेवल इतना. तो ये रिलेशन है बच्चों किसके बीच में? डिस्टेंस ट्रेवल और थीटा के बीच में. अगर मैं पूछूं कि एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा दोनों तरफ क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे. आर तो कांस्टेंट है बच्चों, सर्कुलर पाथ को मूव कर रहा है.
सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या हो जाएगा यहां से बताना, डीएस बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल वी अपॉन आर. तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, वी अपॉन आर लीनियर स्पीड बाई आर, या इसी को लिख सकते हैं ओमेगा वी इक्वल टू ओमेगा इनटू आर. क्लियर ये रिलेशंस? क्लियर? यस सर. ठीक है, लेकिन मुझे बताना है कि नहीं, मुझे तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन बताओ. मेंशन करना है एंगुलर वेलोसिटी का, तो डायरेक्शन बताए हैं. ये जो रिलेशन है वो स्केलर में रिलेशन दिया है. तो अगर लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशंस लिखना है तो ये रिलेशंस में मैं यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट लू कि डॉट प्रोडक्ट लू? क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट. तो मैं अगर चार ऑप्शंस दिया है तो इस ऑप्शंस को कट कर दूं कि ये तो गलत ही होगा क्योंकि वेक्टर इक्वल टू स्केलर नहीं हो सकता. अब इन दोनों में कि कौन सा ट्रू है? देखो ध्यान से सुनना, इफ इट इज रोटेटिंग इन दिस सेंस तो ओमेगा का डायरेक्शन हो जाएगा इधर और आर वेक्टर हो जाएगा इधर. तो देखो ये देखते हैं, ओमेगा ओमेगा इधर है पता है मुझे, ओमेगा और आर इधर, ओमेगा क्रॉस आर थंब किधर जा रहा है इधर, दैट मींस ये राइट डायरेक्शन दिखा रहा है. लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं आर क्रॉस ओमेगा की, तो आर आर लेकिन ओमेगा इधर इधर रोटेट नहीं होगा, तो आर क्रॉस ओमेगा डायरेक्शन इधर हो जाएगा बट इधर नहीं जा रहा इधर जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा. सो दिस इज करेक्ट रिलेशन. अगर ओमेगा उल्टा मतलब अभी जो है ना उसका उल्टा डायरेक्शन रहेगा तभी ये राइट होगा ना? नहीं तब भी वो रहेगा, अगर ऐसे जा रहा है तो वेलोसिटी भी तो इधर है, ओमेगा इधर हमेशा यही ट्रू रहेगा, ओमेगा इधर तो ओमेगा क्रॉस आर इधर आ गया. अभी समझ में आई बात? यस सर. अब बच्चों ए और अल्फा में निकाल लेते रिलेशन, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो. डीवी बाई डी टी क्या हो जाएगा, आर बाहर और डी ओमेगा बाई डी टी. या आर पहले ऐसे लिख लेते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी को अल्फा बोलते हैं, अल्फा इंटू आर. और इसको क्या बोलेंगे dv by dt को, लैंग्वेज में बोलो ये v वेलोसिटी है या स्पीड है? स्पीड है. इसको बोलेंगे बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. और ये भी मैं बताऊंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ये मैं कल क्लियर करूंगा, तो आज सिर्फ इतना लिख लो, आज का क्लास यही फिनिश करते हैं.